ट्रैक्टर के अंदर आपको फुल डिलक्स सीट मिलती है, जो कि बहुत ही जबरदस्त आरामदायक सीट है। पीछे की जो एक्सल ट्यूब पट्टी है इसकी, वो श्रेणी की सबसे हैवी और सबसे मजबूत है इसके अंदर। पावर स्टीयरिंग भी इसका इतना जबरदस्त है तो बैलेंस पावर स्टीयरिंग ही, लेकिन इसके अंदर सबसे कम मेंटेनेंस माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग आते हैं सारे। नमस्कार सभी किसान भाइयों और सभी दोस्तों को, तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज सभी किसान भाइयों को मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, पैसा आपका, सोच आपकी है और आपको लेना है ट्रैक्टर कौन सा ले, लेकिन अगर आप 50-60 हज़ार का मुँह ना देखे, 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे, तो आपको कितना अलग, कितना सब कुछ मिल सकता है, तो आज वही बताऊँगा। देख सकते हो इधर भी आपको फार्म ट्रक 45 खड़ा, जो कि सुपर स्मार्ट के नाम से आता है। इधर फार्म ट्रक 45 खड़ा, पावर मैक्स के नाम से EPI रिडक्शन, ठीक है ना। दोनों ट्रैक्टर 50 पर मिलते हैं, लेकिन 50-60 हज़ार रुपये ये महंगा होने के कारण क्या कुछ देता है, सब कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको टायरों में अंतर दिखाता हूँ। इसके अंदर 650/16 के फ्रंट टायर मिल जाते हैं। उसके अगर हम टायर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 600 के, ठीक है ना। रियर टायर दोनों के आपको 1428 के मिल जाते हैं। अभी हम करते हैं कॉस्मेटिक बदलाव की बात। तो भाई देख सकते हो इसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग मिलता है वो इसके अंदर बैलेंस पावर स्टीयरिंग मिलता है, लेकिन ये सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग आता है, देख सकते हो। तो इसके अगर कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसी को चेंज करा सकते हो, जिसकी ज़रूरत है। सब कुछ चीज़ चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम बात करें दूसरे वाले ट्रैक्टर की, तो ये भी आपको देख सकते हो बैलेंस पावर स्टीयरिंग के साथ आता है, लेकिन इसके अंदर देख सकते हो एक ही पूरा पूरा चेंज होता है पीस, ठीक है ना। ये भी आपका कम मेंटेनेंस के अंदर माना जाता है, लेकिन इससे भी कम मेंटेनेंस वाला पावर स्टीयरिंग आपका ये वाला माना जाएगा। अभी हम बात करते हैं दूसरे चेंज की, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलूँ, इसके अंदर भी देख सकते हो लाइट में कोई अंतर नहीं, दोनों ट्रैक्टर के अंदर आपको LED मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो ये EPI रिडक्शन है, वो मैं आपको पीछे जब जाऊँगा ना तो उधर से दिखाऊंगा। अभी हम बात करते हैं इसके इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो आपको राइट हैंड साइड में बैटरी मिल जाती है, जो कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्टाइलिश बॉक्स के साथ मिलेगी। इधर देख सकते हो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी, ठीक है ना, जो कि आपका कोई इतना ज़्यादा खास अंतर नहीं लगता देखने में, सिंपल सी बैटरी बॉक्स मिल जाता है। अगर हम बात करें पायदान की, तो इसके अंदर देख सकते हो नीचे डाउन शिफ्ट पायदान मिल जाते हैं, इस तरह का आपको फुट स्टेपर मिलेगा, डुअल क्लिच ट्रैक्टर ये मिल जाता है आपको। बात करते हैं इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो सिंपल सीट मिलती है, कोई एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपको आराम ज़्यादा नहीं देगी। और गियर बक्से की बात करते हैं, उसके अंदर आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स सेंट्रल शिफ्ट गियर बॉक्स मिल जाएगा, जो कि कॉन्स्टेंट मैक्स गियर बॉक्स होगा इसके अंदर भी। अगर हम बात करते चले उस ट्रैक्टर की, तो मैं आपको दिखाते चलूँ, इसके अंदर आपको साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स मिलेगा, जो कि आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको फुल्ली कॉन्स्टेंट मैक्स गियर बॉक्स मिलता है और काफ़ी आराम मिल जाता है। सीट की बात करें, फुल डिलक्स सीट मिलेगी, बहुत ही आरामदायक, ठीक है ना। अगर यार मैं बात करता हूँ जैसा, तो इसके अंदर देखो तो क्लच भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हैवी और काफ़ी ऊंचा पायदान मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी फुट स्टेपर की, तो वो भी इसके अंदर ऊंचा अलग ही मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ट्रैक्टर के अंदर इसमें आपको मिलेगा आपको 410 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। उसके अंदर की बात करते हैं, उसमें मिलता है आपको 380 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। वजन की बात करते हैं, तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2190 किलो ट्रैक्टर के अंदर वजन मिलता है, इसके अंदर आपको 2220 किलो ट्रैक्टर के अंदर वजन मिलेगा, तो ट्रैक्टर भारी भी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इधर से, तो इसके अंदर देख सकते हो इसके अंदर जो स्टीयरिंग है वो इस तरह का मिलेगा, सिंपल और काफ़ी बड़ा। जिस किसान के हाथ पे पावर स्टीयरिंग नहीं सेट होता, उसके लिए ट्रैक्टर ये अच्छा रहेगा। तो इधर से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा छोटा स्टीयरिंग मिल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अभी हम बदलाव की बात करते चले, तो ये ट्रैक्टर आपका PTU हॉर्स पावर देता है, 41.5 हॉर्स पावर की। ये ट्रैक्टर देगा आपको 43 हॉर्स पावर की PTU, यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 2.5 हॉर्स पावर का अंतर मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी SFC की, तो ट्रैक्टर के अंदर इसके अंदर जो मिलेगा आपको 258 ग्राम किलोवाट पर घंटे SFC मिल जाती है। उस ट्रैक्टर के अंदर आपको 265 ग्राम किलोवाट पर घंटे SFC मिल जाएगी, क्योंकि ये ट्रैक्टर का इंजन जो है छोटा है, तो थोड़ा डीजल ज़्यादा लेता है। इसके अगर हम इंजन की बात करते हैं, तो इसके अंदर 2987 cc का इंजन मिलेगा, और इसके अंदर जो बात इंजन मिलता है वो 3440 cc के आसपास का इंजन मिलता है इसके अंदर, जो कि एविल टेक्नोलॉजी का इंजन है, जर्मन टेक्नोलॉजी है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त इंजन का इस्तेमाल भी करती है। अभी हम इस ट्रैक्टर के बोनट की बात करते हैं, ट्रैक्टर का जो बोनट है वो इसी खींचने के बाद सिंगल पीस बोनट है, जो कि ऊपर की तरफ उठ जाता है, और डबल हाइड्रोलिक सिलेंडर जैक के साथ। अगर हम उसके बोनट की बात करते हैं, तो उसका हाफ बोनट खुलता है, जो कि राइट हैंड साइड पर सह खुलेगा संदूक की तरह, देख सकते हो इधर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मेंटेनेंस देखने की, तो ट्रैक्टर के अंदर इसके अंदर मेंटेनेंस देखना भी आसान हो जाता है। अभी हम दोनों ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनाएंगे, उससे पहले मैं आपको दोनों ट्रैक्टर पीछे दिखाता हूँ। तो अभी हम देख सकते हो EPI रिडक्शन वाले के साथ हैं, पीछे से देख सकते हो उसका पीछे का हिच जो है वो कितना हैवी ड्यूटी देती है कंपनी, जो कि एडजस्टेबल है। पीछे का एक्सल ट्यूब भी बहुत ही हैवी ड्यूटी मिल जाता है। इसके अंदर 4-4 डिस्प्ले मिल जाती है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलेगा फुल मैकेनिज्म के साथ, ठीक है ना। और 3-3 टोपलिंग लिंकेज मिल जाती है AD Sense के साथ, ठीक है ना। 5 साल 5000 घंटे गारंटी इसके साथ मिलती है, और इसके अंदर पीछे भी आपको LED मिल जाएगी, साथ साथ हैलोजन बल्ब के साथ। अभी चलते हैं हम अपने दूसरे ट्रैक्टर के, ट्रैक्टर के अंदर आपको ऑयल ब्रेक मिलते हैं, 3-3 वाली मिलती है इसमें डिस्प्ले, उसके अंदर 4-4 डिस्प्ले मिल जाती है, गारंटी इसकी 5 साल की है, LED बल्ब का इस्तेमाल है। इसके अंदर भी इसके अंदर डबल टोपलिंग लिंकेज मिलेगी AD Sense का, उसके अंदर 3-3 थी। इसके अंदर भी जो हिचा वो एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे कर सकते हो, और पीछे देख सकते हो कितना अंतर है। इसके अंदर सिंगल पीस डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलता है, देख सकते हो इधर,
ठीक है ना। तो इतने अंतर तो मैंने आपको दिखा दिए और मैं आगे दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हम सुपर स्मार्ट के साथ खड़े हैं जो कि सुपर मैक्स टॉप मॉडल है F27। इसके अंदर देख सकते हो इस तरह का ब्रेक, इस तरह की एक्सीलेटर मिले कुछ देखने को, 50 HP ट्रैक्टर ये भी मिल जाता है आपको देख सकते हो। और इसके अंदर देख सकते हो जो इंजन मिलता है 2987 cc का इंजन मिलेगा बॉस का 3 pump के साथ। और ट्रैक्टर क्लासिक स्मार्ट सीरीज के अंदर आता है। बोनट खोलने की बात करें तो बोनट इसका संदूक स्टाइल में कुछ इस तरह से खुलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये तो देख सकते हो इधर से इस तरह से बोनट खुलता है इसका, ठीक है ना। आइए दूसरे ट्रैक्टर दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो हमने इसका बोनट खोल लिया जो कि सिंगल पीस बोनट मिल जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये भी 45 है और इसका देख सकते हो इंजन इस तरह का मिलेगा कुछ, ठीक है ना। इसको देखना मेंटेन रखना आसान है। इसके अंदर डबल सिलेंडर है मिल जाते हैं हाइड्रोलिक जैक वाले। इसको आपको कोई रोड से लगाने की जरूरत नहीं, उसको रोड से रोकना पड़ता है। देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। ये F17 सीरीज के अंदर आता है। डीजल टैंक इसके अंदर 5 लीटर ज़्यादा मिलता है, इसके अंदर 55 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा, उसके अंदर आपको 50 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है। तो अभी हम इसका बोनट बंद कर लेते हैं, इसका राइट हैंड साइड से दिखाते हैं ट्रैक्टर कैसा है। देख सकते हो पावर मैक्स के बगल में खड़े हैं हम। इसका देख सकते हो फुट स्टेपर भी कितना हैवी ड्यूटी है, पैर रखना चलाना ट्रैक्टर को ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। वो इस ट्रैक्टर जो सिलेंसर मिलता है वो बोनट के बाहर मिलेगा जो कि हीट गार्ड प्लेट के साथ मिल जाता है। इस ट्रैक्टर की भी और उस ट्रैक्टर भी 500 घंटे के बाद सर्विस है, लेकिन ये ट्रैक्टर आपका 60,000 महंगा होने के बाद भी कम से कम 10 से 15 फीचर ज़्यादा रखता है। तो आपको ज़्यादा देखना चाहिए ट्रैक्टर हमारे लिए कौन सा अच्छा है। लेकिन इस ट्रैक्टर का खेती में कोई भी तोड़ नहीं। इसके जो टॉर्क है वो 210 Nm टॉर्क है, उस ट्रैक्टर का आपको मिलेगा 187 Nm टॉर्क। इतना फर्क है ट्रैक्टर का, ठीक है ना। खींच के मामले में जबरदस्त ट्रैक्टर है। आई एक बार इसकी आवाज़ सुनता हूँ, फिर उसकी भी सुनाऊंगा आपको। अभी API वाली की आवाज़ सुनते हैं ट्रैक्टर कैसी है। स्टीयरिंग कटिंग भी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही जबरदस्त है ट्रैक्टर की। फिलहाल बंद करते हैं, दूसरा चलाते हैं ट्रैक्टर कैसा है। तो अभी आप देख सकते हो हम दूसरे ट्रैक्टर पर आ चुके हैं जो कि फार्म ट्रैक 45 सुपर स्मार्ट है। आइए एक बार इसके बाद सुनते हैं ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर की आवाज़ बिल्कुल अलग मिलेगी आपको, डिफरेंट। इसकी फोर्ड 3600 जैसी आवाज़ है क्योंकि उसी का इंजन है इसके अंदर। बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग है इस ट्रैक्टर का भी। तो आपको कैसा लगा ट्रैक्टर कमेंट में जरूर बताना, और आप कौन सा लेना चाहोगे अगर आपको लेना है तो बताइएगा।